हेलो फ्रेंड्स, मैं रुक्षा और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम किसी भी फोटो में से रेड आई रिमूव कर सकते हैं। तो रेड आई क्या होता है, तो ये हम आपको बता देते हैं पहले। तो रेड आई होता है ये, जो ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे हम जब कोई फ़ोटो खींचते हैं कैमरा से, तो कैमरा के वजह से या फिर कोई लाइटिंग की वजह से ये जो आँख में ये रेड कलर का एक चली आती है, तो इसको कहते हैं रेड आई। तो ये रेड आई आप रिमूव कर सकते हैं फोटोशॉप के मदद से। पर अब जो कैनवा में न्यू फीचर आया है, कैनवा का जो बीटा के तरफ से जो न्यू फीचर आया है, तो इसके मदद से हम फोटोशॉप में नहीं कैनवा में ही रिमूव कर सकते हैं ये रेड आई। तो चलिए देख लेते हैं कि कैनवा में कहाँ है वो ऑप्शन रेड आई रिमूव करने को और कैसे करते हैं रेड आई रिमूव। तो ये जो पिक्चर है मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप ऐसे कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैं सिलेक्ट करने के बाद एडिट इमेज का जो ऑप्शन है, तो एडिट इमेज में जा रहा हूँ। एडिट इमेज में हमको मिल जाएंगे फेस रिटच के ऑप्शन, जो है बीटा के तरफ से। तो फेस रिटच का जो ऑप्शन है, ये अगर हमने क्लिक कर लिया तो इसके अंदर हमको मिल जाएंगे बहुत सारा ऑप्शन, और इसका भी वीडियो मैंने पहले दिखा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना, इसका जो फेस रिटच का वीडियो है, स्किन जो स्मूदनिंग का जो वीडियो है, टीथ वाइटनिंग का जो वीडियो है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर देख लेना। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है रेड आई। तो इस ऑप्शन में मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये जो पिक्चर है इसमें जो रेड आई है वो रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो ये क्लिक कर लिया मैंने, और चलिए ये जो रेड आई था वो रिमूव हो चुका, और बहुत अच्छे तरह से कैनवा ने ये रिमूव कर दिया। एकदम अच्छा लग रहा है ये पिक्चर, और जो रेड आई था वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, तो बिल्कुल गायब हो गया वो रेड आई, और ये जो आई है बहुत क्लीन लग रहा है। तो ये जो फीचर कैनवा में नया आया है, तो बहुत ही कमाल का फीचर है। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपका भी कोई अगर पिक्चर हो तो ऐसा आप कैनवा में ट्राई करके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के लिए यही तक था, और आपके साथ मुलाकात होगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।